అస్సలం అలైకుం అండ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఆజ్ ఇఫ్తారి మే మై బనా రహి పానీ పూరి. వో ఆజ్ హి పానీ పూరి కిట్ సే బనా రహి మై ఘర్ మే ఖుద్ నహీ బనా రహి. కిట్ సే కైసా బనానా కి దేఖేంగే చలో. ఆజ్ ఇఫ్తార్ మే తో పానీ పూరి మై యాం పే. ఆజ్ హి పానీ పూరి కిట్ లిం. इसका प्राइस आके 40 रुपीस. ये कैसा बनाने की आपको बता दें. ये किट में 4 पैकेट्स है, उसमें एक पैकेट आके पूरी बनाने का पैकेट और एक टैमरिंड चटनी और एक मिंट चटनी का. 4th पैक आके बॉइल्ड पोटैटोस करी में मिलाते सो मसाला. इसमें 24 पानी पूरी का चिप्स है और अब आलू उबाले रिम. आप टेबलस्पून सॉल्ट डाल के अच्छा नरम उबालेना. नेक्स्ट एक बाउल लेके मिंट चटनी उसमें निकाल लेना. चटनी निकालने के बाद एक ग्लास वाटर डाल लेना. वाटर ऐड करके स्पून से मिक्स कर लेना. नेक्स्ट स्टेप आके अब पानी पूरी तल लेना ऑयल में. मीडियम में रना फ्लेम, हाई नहीं रना. मीडियम में रख लेके पूरी तल लेना. हाई फ्लेम में रही तो साथ ही जो ब्लैक हो जाती. अच्छा पूरी साइज में काए बाद में निकाल लेना. ऐसे बाकी के पूरे तल लेते रहना ऑयल में. स्पून से उधर इधर करते ही रहना, वैसा ही तो तले जाते. अब बॉईल हुई सो आलू को स्मैश कर लेंगे. हैंड से कर ली तो भी क्या नहीं और स्पून से कर ली तो भी क्या नहीं. मैं या नरम होने बोल के हैंड से अच्छी यूज़ कर रही. ऐसा नरम मत लेना. मत लिए बाद में एक आनियन से छोटे छोटे पीसेस करके चॉप करके इसमें ऐड कर लेना. बाद में से दिए सो पैक 4 है ना, वो मसाला इसमें ऐड कर लेना. कर लेके स्पून से अच्छा मिक्स कर लेना मसाला पोटैटोस में मिले सर का. अफशा क्या करती है कि एक लुक डालेंगे. देखो ABCD तल को दी थी अफशा को. बैठ के खाते हैं. हाँ पापा खाते हैं. पापा नहीं खाते मो खाएं. क्या वो क्या खाते हैं तुम्हें? पानी पूरी बना लेम. अब करी प्रिपेयर कर लेना. करी और राइस. करी के लिए मैं दाल और आम के करी बना रही. मूंग दाल और आम की करी उसके लिए मैं करी काट ले रही. सेम कंकड़ी पीसेस वैसी मैं कैरी काट लेती हूँ. चिटला निकाल के काट लेना. दाल आम की कैरियाँ पका रही और पानीपुरी रेडी हुआ ऑलरेडी. दाल कैरी बनाने के लिए कैरियाँ पीसेस, टमाटे, प्याज और कच्ची मिर्ची ली. 1 कप मूंग दाल में 5 कच्ची मिर्चियाँ, 3 टमाटे, 1 आम करिया, 1 प्याज. प्याज लास्ट में डालती मैं कभी भी. अभी 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाल के अच्छा मिक्स करके कैप रख लेके 3 विजिल्स आए तक पका लेंगे.
मैं अब दाल चढ़ाएं, इधर खाना चढ़ाएं। अब विजिल्स आ गए, देखेंगे निकाल के। दाल अच्छा पक गया, दाल को घेट लेंगे। अच्छा दाल की घेट नहीं लेके, अच्छा दाल को घेट लेना ऐसा। मूंग दाल के समर में बहुत ठंडा ही खाए तो। घेट लिए बाद में मैं प्याज ऐड कर ले रही हूँ। प्याज ऐड कर लेके अच्छा मिला लेके अब दाल को बघा लेंगे। दाल बघाने के लिए लहसुन कुचलती हूँ, 5 ली हूँ। अभी एक कढ़ाई में तेल डाल के कुछ ली सौ लहसुन डाल के 1 टेबलस्पून जीरा, करियाक पत्ता और 3 सूखे मिर्चियाँ डालें। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालें, इससे पहले डाली ना इसीलिए कम डाली थोड़ा। अब पूरे मिक्स कर लिए ना, अब दाल में डाल लेंगे। बघारे बाद में 2 मिनट्स पका लेंगे फिर गैस पे। देखो दाल आम की करी रेडी। अब खाना भी रेडी हो गया, अब गपचुप खा लेंगे। इफ्तार खोल दिए ऑलरेडी हम लोग। मैं गपचुप टेस्ट कर रही हूँ। अब अफशा खा ली गपचुप, हम खा रही। ये आची पानी पूरी किट कैसा है कि आप टेस्ट कर रही। अफशा मेरे पूछ रही कैसा है, अच्छा है बोली के। जरा मिंट चटनी अलग दिखा मेरे को, बाकी का पूरा टेस्ट सेम आया। थोड़ा चटनी अलग दिखा मिंट का। 40 रुपीस में 24 पानी पूरी बोली तो रीजनेबल, बहुत रीजनेबल। बाहर जाना खाना थोड़े लोगों को पसंद नहीं आता, इसीलिए उन लोगों को घर में ला ले खा सकते। अब नेक्स्ट दाल आम की करी का सालन टेस्ट करती हूँ। तूर दाल आम की करी ज़्यादा लोग पकाते, मेरा पसंद का दाल ही है तो मूंग दाल, इसीलिए मैं कभी भी मूंग दाल प्रेफर करती हर जगह। सच्ची में अच्छा है सालन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।